Hi guys, welcome back to another video of Eitler Experiments. And दोस्तों आपको आज इस चैनल पे सबसे पहली बार वंडरला का हम एक टूर देने वाले हैं। हमारे पास वंडरला का एक स्पेशल इनविटेशन है। इस स्पेशल इनविटेशन का एक एडवांटेज ये है कि हमको वंडरला ओपन होने से पहले एक्सेस मिल रहा है। सो हम अब जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं उड़ीसा में ये सबसे बड़ा जो वाटर पार्क खुल रहा है ये कैसा है एंड वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है, वहाँ का एम्बियंस एनवायरनमेंट कैसा है एंड क्या क्या नए राइड्स हैं वहाँ पर। सो चलिए इस वीडियो में बने रहिएगा, आगे हम आपको देने वाले वंडरला का एक मस्त वाला टूर। ये पास जो है वो आपने अरेंज किया राइट, तो ये कैसे मिला आपको? देखो वो अपना ही एक मतलब नाम ही काफी है। रियलिटी बताऊं या वैसे ही बता दो? उसके वेबसाइट से फोन नंबर निकाला, हाथ पैर जोड़ा, पैर पकड़ के लेके आया, एक दिला दो, एक तो एक बार दिला दो। सो गाइस वी आर एट वंडरला फाइनली। सो यहाँ पर अभी फिलहाल थोड़ा बहुत और कंस्ट्रक्शन बाकी है, बट ये एक प्री लॉन्च इवेंट है। यहाँ पर आप लोगो भी अभी तक कंप्लीट नहीं है। उड़ीसा का जो वंडरला है इस चैनल पे आपको सबसे पहले उसका एक झलक मिल रहा है। सो अगर आप भुवनेश्वर आते हैं सो ये वाटर पार्क मिस मत कीजिए। बाकी हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा बन रहा है या कैसा बनने वाला है। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखा है, इतना भीड़ मुझे एक्सपेक्ट नहीं था फॉर अ प्री लॉन्च इवेंट। सो आई थिंक जब ये पार्क खुलेगा तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाला है। चलिए अब हम अंदर चलते हैं। वो तो अरे अनिल इनविटेशन कार्ड ये जो हमारा जो वेलकम किट है ना वो हमारा जो लालची दोस्त है रघु वो दे चुका है, तो हमारे भाग्य में ये सिर्फ वेलकम ड्रिंक ही आएगा। उधर देखिए। सो दे हैव फूड कोर्ट ओवर हियर रेडी। वाओ काफ़ी बड़ा जगह है ये, काफ़ी बड़ा स्पेस है। एंड अगर ये पूरे स्पेस को एक्टिविटी से भर देते ना तो आपको शायद एक दिन लग जाएगा पूरे इसको घूमने फिरने में, एंजॉय करने में। सो यहाँ पर इनका चेंजिंग रूम है, क्लॉक रूम है, इसके अंदर लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं और पता नहीं कैसे अजीब अजीब स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के बाहर निकल रहे हैं। ये देखा वेलकम किट में क्या मिला है? बैग मिला है। ओके एक वॉल हैंगिंग मैग्नेट मिला है, एक की चेन मिला है और ये तू बढ़िया लगे इस कॉस्ट्यूम में, तू बहुत बहुत मस्त लगे इस कॉस्ट्यूम में भाई, बहुत मस्त। वाओ 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 भाई क्या कर रहा है? कॉस्ट्यूम किसका? हम लोग का। उसको बोल मिक्की माउस का देगा, मिक्की माउस का लेकिन एक चीज है, अगर आप यहाँ पे दोस्तों के साथ आते हो और अगर आपके दोस्त हो जाते हैं तो उनको ढूंढना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सबका जो यहाँ कॉस्ट्यूम है वो पूरा सेम है, तो आप उसके बीच में कैसे अपने दोस्तों को ढूंढोगे वो आप ही जानते हो। भाई आपको कुछ देता हूँ।
चलो गाइस स्टार्ट अप तो अभी भी कुछ राइड है यहाँ पर जो शुरू नहीं हुए हैं, टेस्ट रन हो रहे हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अरे यहाँ पर जो लोग हैं जो इस राइड पे बैठ रहे हैं, प्लस ये देखो इस राइड में जो बैठ रहे हैं ना, मुझे फील हो रहा है अनिल ये लोग ना वो एक्सपेरिमेंट के एक हिस्सा है, मतलब आज अगर चल गया और टिक गया इतने लोगों के साथ तो सही है, हाँ। और अगर कुछ खराबी आया तो फिर उसको रिपेयर कर दिया जाएगा। यहाँ पर आई थिंक किड्स के लिए भी, आई मीन छोटे बच्चों के लिए भी राइड्स है, ये देखिए, और इस साइड में भी। बेसिकली वही सेम राइड्स हैं बट एक नया पैकेजिंग है। बट अच्छी बात यह है कि अगर आप वाटर स्लाइड्स ये सब नहीं करना चाहते हैं सो यू हैव एम्पल ऑफ राइड्स जिसमें आप ड्राई रहते हुए भी एंजॉय कर सकते हैं। ओह वाओ, किड्स आर गोना लव दिस कार्निवल स्टाइल का मेरी को राउंड। वहाँ पर देखिए एक डोम शेप का कुछ बना हुआ है, क्या है तो पता नहीं है फिलहाल। यहाँ पर एक स्टेज सेटअप है, दिस इज द सेंटर पॉइंट, so you can have ample space to have DJ parties and all, कुछ events, कोई बड़े events organize करना हो तो आप ये जगह पर, इनके पास ये provision है कि ये कर सकते हैं, आने वाले time पे होगा भी। ये आंटी को ये वाला ट्यूब फिट कैसे होगा यार, एनीवेज छोड़ो। यहाँ पर कुछ वाटर स्लाइड्स भी ऑन है, सो ये आप देख सकते हैं, ये वो टनल वाला स्लाइड है एंड वो दो 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 ट्यूब लेके स्लाइड करते हैं। यहाँ पर जो है कुछ एक्साइटिंग स्लाइड्स है, जैसे कि ये रेड वाला आप देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्टीप लग रहा है। उसके साइड में जो ब्लू वाला है वो भी एकदम पूरा आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा वर्टिकल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एज इन मतलब कंपेयर टू अदर स्लाइड्स वर्टिकल है। एंड यहाँ पर जो ये एक आर्क दिया हुआ है, आई मीन जो बेंड दिया हुआ है, ये तो भाई थोड़ा बहुत हल्का सा जंप वाला फीलिंग देने वाला है। तो दोस्तों आप सबको अभी तक कैसा लग रहा है ये पार्क, अम्यूजमेंट पार्क जो है, आई थिंक दिस इज गोना बी नेक्स्ट संडे डेस्टिनेशन फॉर ऑल द पीपल लिविंग अराउंड भुवनेश्वर। और इनफैक्ट जितना बड़ा ये पार्क है और अभी भी लैंडस्केपिंग और थोड़ा बहुत यू नो फर्निशिंग बाकी है, बट वंस दिस इज रेडी आई बिलीव कि भुवनेश्वर, इट्स नॉट ओनली भुवनेश्वर बट ये स्टेट के सारे लोग या जो भी स्टेट में घूमने आ रहे हैं वो यहाँ पर वंडरला ज़रूर आएंगे एक बार। सो लेट्स कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड, वेट करते हैं इसका ओपनिंग डे के लिए, बट फिर भी और टाइम लगेगा लैंडस्केपिंग ये सब कम्प्लीट होने में एंड स्पेस और ये सब बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अभी तक जितना भी मैंने देखा ना, मेरा सबसे सुंदर इधर वो देखिए जो कराउजल है ना वही लगा, मतलब मेरा पर्सनल प्रेफरेंस, मुझे पर्सनली फेवरेट लगा, मैं जाता हूँ उसमें मुझे बैठना अलाउड नहीं है, बट वो जो एक कराउजल जब आप देखते हो ना इस तरह का, जो कि आप यूजुअली कार्निवल से सब में आपको देखने को मिलता है, तो वो एक अलग ही उसका गेटअप है। लास्ट टाइम पर ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। तो बाकी आप सब भी खुद बता सकते हैं कि आपको यहाँ पर कौन सा राइड अच्छा लगा है, तो अभी तक तो आपको प्रॉपर जजमेंट मिला नहीं होगा, लेकिन ऑफकोर्स आप यहाँ पर विजिट करने के बाद आप शायद अपना जजमेंट या आने के कॉमेंट में दे सकते हो। तो भाई साहब ये जो राइड है ना ये काफ़ी डेडली है, काफ़ी डेडली है, मतलब दिस इज़ वन थिंग, अगर ये वैसा रहा जैसा यूजली फॉरेंस में होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा एड्रेनलिन रश देने वाला है, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के फाड़ने वाला है। तो गाइस ये था वंडरला का एक छोटा सा टूर आप सबके लिए, और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप वंडरला विजिट करने का प्लान रखे हैं या नहीं रखे हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा,
नीचे कमेंट में जरूर बताएं। एंड चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बनाए रखें, बाय दोस्तों।